हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अनएकेडमी सीए फाइनल। तो जो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन जो लास्ट टॉपिक अपन ने देखा था फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसको अपन थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें अपन देखेंगे, मान लो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है तो उसको टोटल में कैसे कन्वर्ट करना है, या टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो उसको आपको पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, वो अपन यहाँ सीखेंगे। अगर आपको अनएकेडमी पे सीए फाइनल की सभी लाइव क्लासेस देखनी है, फुल कोर्स का लाइव क्लास देखना है, तो आपको अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जो उसके लिए आपको सबसे पहले अनएकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और उसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा सीए फाइनल कोर्स का। तो इसमें आपके पास एक फ़ायदा और है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मंथली बेसिस पे, 2 मंथ के बेस पे, 1 ईयर के बेस पे, 2 ईयर के बेस पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड अतुल सीए यूज़ करते हो, ATULCA यूज़ करते हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, रिवीजन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल अनएकेडमी सीए फाइनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो आप आज का अपना लेक्चर रहने वाला है SCMP का, वो रहने वाला है कि जो आपको फिक्स कोर्स दे रखी है मान लो टोटल में, तो उसको आपको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, या आपको पर यूनिट फिक्स कोर्स दे रखी है तो उसको टोटल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो ये लेक्चर अपना रहने वाला है आज। या वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट दे रखी है तो टोटल में कैसे कन्वर्ट करोगे, और टोटल दे रखी है तो पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये अपना एक लेक्चर रहने वाला है आज का। लास्ट क्लास में अपन ने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अब अपन देखते हैं कन्वर्जन ऑफ फिक्स कॉस्ट इनटू पर यूनिट एंड टोटल। आपको पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दे रखी है उसको टोटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है उसको पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो अपन सीखने जा रहे हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पड़ेगी, काफ़ी जगह इसकी रिक्वायरमेंट होगी। मान लो आपको प्रॉफिट निकालना होता है, कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकालना होता है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट लेस करनी होती है। और मान लो आपको फिक्स कॉस्ट जो दे रखी है वो पर यूनिट दे रखी है, 10 रुपीज़ पर यूनिट दे रखी है, और लेस क्या करनी है, आपको टोटल लेस करनी है। तो कितने यूनिट से इंटू करोगे जब आके टोटल आएगी, कितने यूनिट से इंटू करोगे जब आके टोटल आएगी, वो अपन यहाँ सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले अपन को एक सीखना पड़ेगा डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स। इसको सीखने के लिए क्या सीखना पड़ेगा अपन को, डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स। चार कैपेसिटी के लेवल्स होते हैं। चार कैपेसिटी के कौन कौन से लेवल होते हैं, एक होती है मैक्सिमम कैपेसिटी। क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी। दूसरी होती है एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तीसरी होती है नॉर्मल कैपेसिटी। और चौथी होती है एक्चुअल कैपेसिटी। अब ये चार कैपेसिटी के लेवल होते हैं, एक मैक्सिमम कैपेसिटी, एक एस्टिमेटेड कैपेसिटी, एक नॉर्मल कैपेसिटी, एक एक्चुअल कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब होता है आप एक साल में मैक्सिमम कितना यूनिट बना सकते हो, आपका जो पीरियड है उस पीरियड में आप मैक्सिमम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, जब आपकी सारी कंडीशन आपके फेवर में हो, आप मैक्सिमम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो बिना किसी ब्रेकडाउन के, बिना किसी हॉलीडे के, मतलब सारी कंडीशन आपके फेवर में, और उस केस में आप मैक्सिमम कितना यूनिट बना सकते हो एक मशीन से या एक असेट से, आप मैक्सिमम कितना यूनिट जनरेट कर सकते हो जब आप सारी कंडीशन आपके फेवर में हो, मतलब कोई ब्रेकडाउन नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो उसे बोलते हैं अपन मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी को अपन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जब आप कोई नई मशीन खरीदते हो, प्रोडक्ट बनाने के लिए नई मशीन खरीदते हो, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी हुई जाती है कि इस मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी या इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स। मतलब ये मशीन मैक्सिमम एक साल में 10,000 यूनिट बना के दे सकती है। उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई ब्रेकडाउन ना हो, कोई हॉलीडे ना हो, तो मैक्सिमम कितनी यूनिट बनेंगी, 10,000 यूनिट बनेंगी। तो मैक्सिमम कभी कैपेसिटी को आप प्रैक्टिकली कभी भी अचीव नहीं कर सकते, मैक्सिमम कैपेसिटी को आप प्रैक्टिकली कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ये बस एक कागजों में लिखी होती है मैक्सिमम कैपेसिटी। दूसरी होती है एस्टिमेटेड कैपेसिटी। अभी एस्टिमेटेड क्या कैपेसिटी क्या होती है, आप हर साल एक बजट बनाते हो, ईयर के स्टार्टिंग में क्या बनाते हो, बजट की अगले साल आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, सेल्स कितनी रहेगी, कॉस्ट कितनी रहेगी, तो आप एक एस्टिमेटेड बजट बनाते हो। तो आपने मान लो अगले साल का एस्टिमेट किया कि हाँ इस साल मैं 8,000 यूनिट बनाऊंगा, कितनी बनाऊंगा, 8,000 यूनिट, तो वो क्या हो गई, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। इसको अपन बजटेड कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बजटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड कैपेसिटी को बजटेड कैपेसिटी बोलते हैं। जो आप बजट बनाते हो कि एस्टिमेट करते हो कि अगले साल मैं कितनी यूनिट जनरेट करूंगा, कितनी यूनिट बनाऊंगा, वो क्या होती है, बजटेड कैपेसिटी। एक होती है नॉर्मल कैपेसिटी। अभी नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, इसके दो केस होते हैं, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एक्चुअल
कैपेसिटी, या तो क्या होती है जो एक्चुअल कैपेसिटी है लास्ट के थ्री इयर्स की, जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसका एवरेज कर दो, लास्ट के थ्री इयर्स की जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसका सिंपल एवरेज कर दो, वो क्या होती है नॉर्मल कैपेसिटी। लास्ट के थ्री ईयर्स मतलब पीछे के तीन सालों की जितनी आपने एक्चुअल यूनिट बनाई, पीछे के तीन सालों में जितनी आपने एक्चुअल यूनिट बनाई, मान लो पीछे के तीन सालों में एक साल में आपने बनाई 8,000 यूनिट, दूसरे में बनाई थी आपने 7,000, तीसरे में बनाई थी आपने 10,000, तो 8,000, 7,000 और 10,000 का सिंपल एवरेज करना क्या होता है नॉर्मल कैपेसिटी। दूसरा, मान लो आपका पीछे के तीन सालों में बिजनेस ही नहीं था, बिजनेस ही आपने अभी स्टार्ट किया, बिजनेस को भी स्टार्ट किया आपने, अभी स्टार्ट किया बिजनेस, तो ऐसे केस में क्या होगी, तो ऐसे केस में होगी ये मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस ब्रेकडाउन हॉलीडेज। अगर मान लो बिजनेस ही आपने अभी स्टार्ट किया है तो मैक्सिमम नॉर्मल कैपेसिटी क्या होगी, जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इसमें से क्या लेस कर दो, ब्रेकडाउन के कारण जितना टाइम बर्बाद हुआ, जितना हॉलीडे के कारण बर्बाद हुआ, उतनी कैपेसिटी लेस कर दो, बाकी बची हुई कैपेसिटी क्या आ जाएगी नॉर्मल कैपेसिटी। अगर आप पीछे के तीन सालों से बिजनेस कर रहे हो तो क्या करो, पीछे के तीन सालों की एक्चुअल कैपेसिटी का एवरेज कर दो, पीछे के तीन सालों में जो आपने एक्चुअल में यूनिट्स बनाई है ना वो डाटा तो आपके पास होगा, उसका एवरेज कर दो क्या आ जाएगी नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन मान लो डाटा नहीं है तो क्या करो, जो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी दे रखी है उसमें से हॉलीडे वगैरह ब्रेकडाउन वगैरह हटा दो, क्या बन जाएगी आपकी वो नॉर्मल कैपेसिटी। एक होती है एक्चुअल कैपेसिटी, ये एक्चुअल कैपेसिटी आपको ईयर एंड में पता चलती है, जब एक्चुअल में रिजल्ट आ जाते हैं ना 31 मार्च को, जैसे मान लो 19-20 चल रहा है तो पता कब चलेगी, 31 मार्च 20 को पता चलेगी एक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल में आपने कितनी यूनिट बनाई, ये क्या होती है एक्चुअल कैपेसिटी। तो चार कैपेसिटी, मैक्सिमम, एस्टिमेटेड, नॉर्मल और एक्चुअल। मैक्सिमम मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी, एस्टिमेटेड मतलब बजटेड आपके कितना बनाया आपने बजट, नॉर्मल कैपेसिटी पीछे के तीन सालों की एक्चुअल कैपेसिटी का एवरेज, या तो या मैक्सिमम में से ब्रेकडाउन हॉलीडे लेस कर दो। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब आपने एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई, ये होती है एक्चुअल कैपेसिटी। तो चार कैपेसिटी लेवल्स होते हैं। अब बताओ, मान लो आप अपन एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं। मान लो आपको दे रखी है क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपए की, कितनी दे रखी है 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट दे रखी है, आपको बता रखी है मैक्सिमम कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स, कितनी बता रखी है मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 यूनिट की। एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 9,000 यूनिट की, एस्टिमेट कितना किया आपने 9,000 यूनिट का। नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी मतलब पीछे के तीन सालों की जो एक्चुअल कैपेसिटी उसका एवरेज दे रखा है आपको 8,000 यूनिट। इसके बाद दे रखा है आपको एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी आपको दे रखा है 2,000 यूनिट, ये आपको डिटेल दे रखा है। फिक्स कॉस्ट 6 लाख की दे रखी है, मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 बता रखी है, एस्टिमेटेड 9,000 बता रखी है, नॉर्मल 8,000 और एक्चुअल 2,000 यूनिट। यह एक्चुअल अपन कर देते हैं 6,000 कर देते हैं अपन इसको, 2,000 तो ज़्यादा कम हो जाएगी, एक्चुअल 6,000 यूनिट। अब बताओ आप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, आपको रिक्वायर्ड क्या है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिक्वायर्ड है, बताओ कैसे निकालोगे, किससे डिवाइड करोगे, 10,000 से करोगे, 9,000 से करोगे, 8,000 से करोगे या 6,000 से करोगे, ये अपन को निकालना है। तो बताओ किससे डिवाइड होगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड होती है, मतलब किससे होती है नॉर्मल कैपेसिटी। फिक्स कॉस्ट को अगर आपको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, टोटल कॉस्ट को पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करोगे हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से, किससे डिवाइड करोगे हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से। और अगर आपको पर यूनिट दे रखी होती, मान लो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखी होती और आपको टोटल में कन्वर्ट करना होता, तो कैसे, किससे मल्टीप्लाई करते नॉर्मल कैपेसिटी से। तो फिक्स कॉस्ट किससे कन्वर्ट होती है नॉर्मल कैपेसिटी से। अब मैं बताता हूँ नॉर्मल कैपेसिटी से क्यों होती है, इसको समझते हैं अपन। 6 लाख की फिक्स कॉस्ट है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है आपकी 10,000 यूनिट्स की है। अगर आप 10,000 यूनिट्स डिवाइड करोगे फिक्स कॉस्ट को 10,000 यूनिट्स से, तो एक यूनिट पे कितनी आ जाएगी, 10,000 यूनिट्स करके देखो 60 रुपये आ जाएगी। आप एक यूनिट पे 60 रुपये की फिक्स कॉस्ट रिकवर करोगे, 60 रुपये की रिकवर करोगे। फिर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी 10,000 यूनिट्स। मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ प्रैक्टिकली कभी बन सकती है क्या, कभी भी अचीव नहीं कर सकते, कि कभी भी ऐसा हो कि कोई ब्रेकडाउन नहीं हो, कोई हॉलीडे नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी तो आप अचीव ही नहीं कर सकते। आप एक यूनिट पे 60 रुपये रिकवर कर रहे हो, 60 रुपये रिकवर कर रहे हो, मैक्सिमम कैपेसिटी कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम से कम ही अचीव कर पाओगे। मान लो आपने
10,000 मैक्सिमम कैपेसिटी, आपने 8,000 यूनिट बनाई या 9,000 यूनिट बनाई, तो आप फिक्स कॉस्ट कितने रिकवर कर पाओगे? 9,000 इंटू 60, 4.5-5 लाख के लगभग रिकवर कर पाओगे, मतलब कम बनाई तो, क्योंकि मैक्सिमम तो आप रिकवर कर ही नहीं पाओगे। तो आप हमेशा फिक्स कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? अंडर रिकवर्ड हो जाएगी, हमेशा आपको लॉस होगा, कभी भी आप फुल फिक्स कॉस्ट रिकवर कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी कभी अचीव होगी ही नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी तो कभी अचीव होगी ही नहीं, तो आपकी फिक्स कॉस्ट अंडर रिकवर रह जाएगी, हमेशा क्या रह जाएगी? अंडर रिकवर, हमेशा अंडर रिकवरी होगी और हमेशा आप लॉस में रहोगे। तो मैक्सिमम कैपेसिटी से अपन डिवाइड नहीं करते। एस्टिमेटेड कैपेसिटी, एस्टिमेटेड क्या होता है? बजटेड कैपेसिटी होती है। अब बजट तो आप हवा में कुछ भी बना सकते हो, मान लो अभी तो क्या बना दिया 9,000, क्या पता इतनी यूनिट बिके ही ना, इतनी यूनिट बने ही ना, इतनी यूनिट नहीं बनी, तो फिर से आपकी क्या हो जाएगी? अंडर रिकवरी, फिर से क्या हो जाएगी? अंडर रिकवरी हो जाएगी। लेकिन मान लो बजट आपने हवा में बना दिया हो कि इस साल तो 1,000 यूनिट ही बिकेंगी, कितना बना दिया? 1,000 यूनिट का बना दिया मान लो, तो एक यूनिट पे कितनी फिक्स कॉस्ट चार्ज कर रहे हो आप? 600 रुपये। आपको इतना पैसा कौन देगा? कस्टमर। मान लो आप ये 60 रुपये कैलकुलेटर की कॉस्ट में ऐड करते, अब 600 रुपये आप फिक्स कॉस्ट के नाम पे कैलकुलेटर की कॉस्ट में ऐड करोगे, तो कौन सा कस्टमर आपको 600 रुपये दे देगा? तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी से भी अपन डिवाइड नहीं करते, क्योंकि एस्टिमेटेड कैपेसिटी एक हवा में बनाई जाती है, बजट एक हवा में बनाया जाता है। तो बजट कभी आप ज़्यादा भी बना देते हो हवा में, कभी कम भी बना देते हो। ज़्यादा बना देते हो तो आपके अंडर रिकवरी होने के चांस रहते हो, कम बना देते हो तो ऐसा पैसा आपको मिलने के चांस रहते ही नहीं। अब आते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। बताओ एक्चुअल कैपेसिटी पता कब चलती है आपको? ईयर एंड पे पता कब चलती है? ईयर एंड पे। अब आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कब चाहिए? ईयर के स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्यों चाहिए? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल के तो आप सेलिंग प्राइस निकालते हो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपको स्टार्टिंग में चाहिए। और ये पता कब चलती है? ईयर एंड पे। तो ये काम की क्या है? तो ये काम की नहीं होती। अब सबसे बढ़िया काम की क्या होती है? नॉर्मल कैपेसिटी। ये क्या होती है? पीछे के 3 सालों की एक्चुअल एवरेज होती है। मतलब इससे पता चल जाता है कि आपको पीछे के 3 सालों में एक्चुअल आप कितना यूनिट बना के बेच रहे हो। क्या पता चल जाता है? एक्चुअल में आप कितना यूनिट बना के बेच रहे हो, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है। तो इससे क्या होता है? आपकी फिक्स कॉस्ट लगभग सारी की सारी रिकवर हो जाती है अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो। हाँ, फिर भी कोई कम ज़्यादा हो गया तो वो आपका भाग्य है। बाकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है अगर आप नॉर्मल कैपेसिटी से करते हो तो? लगभग सारी की सारी रिकवर हो जाती है। अंडर रिकवरी और रिकवरी होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। अगर फिर भी हो जाता है तो हो जाता है गलती से अंडर रिकवरी और रिकवरी, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है? नॉर्मल कैपेसिटी। तो फिक्स कॉस्ट को हमेशा अगर आपको कन्वर्ट करना है पर यूनिट में या टोटल में, तो कैसे करोगे? नॉर्मल कैपेसिटी की वजह से। मैक्सिमम में क्यों नहीं करोगे? मैक्सिमम में करोगे हमेशा आप लॉस में रहोगे। एस्टिमेटेड में करोगे तो बजट कुछ भी बन सकता है हवा में, तो उसमें दिक्कत ही दिक्कत है। एक्चुअल में क्यों नहीं कर सकते? पता कब चलती है? ईयर एंड पे। और आपको पता कब करना है? ईयर के स्टार्टिंग में। तो नॉर्मल कैपेसिटी से करना सबसे क्या होता है? बेस्ट होता है। तो आपको फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट कैसे करना होता है? हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से। तो इस कॉस्ट इस वाले केस में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 8,000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आपकी आ जाएगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो आ गई है आपकी फिक्स कॉस्ट 75। कितनी आ गई? 75 रुपीज़ पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी। तो इस तरह से फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट करते हैं। मान लो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दे रखी होती है और आपको किस में रिक्वायर्ड है? टोटल में रिक्वायर्ड है, चारों कैपेसिटी दे रखी है, बताओ इनटू किससे करोगे? नॉर्मल कैपेसिटी से। किससे इंटू करोगे? नॉर्मल कैपेसिटी। तो फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या यूज़ करनी है आपको? नॉर्मल कैपेसिटी। अगर नॉर्मल कैपेसिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो क्या करेंगे उसके लिए? अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे देखते हैं कि क्या करेंगे उसके लिए। पहले अपन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मान लो टूर्स एंड ट्रेवल्स की एक बस है, वो जयपुर से कश्मीर जाती है। टूर्स एंड ट्रेवल्स की एक बस है जयपुर से कश्मीर जाती है, जयपुर से कश्मीर का आपको टूर करवाती है। इसकी जो फिक्स कॉस्ट आती है टूर में, वो आती है मान लो 1,00,000 रुपये। कितनी आती है? 1,00,000 रुपये। इस बस की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम सीट जो इसमें यात्री बैठ सकते हैं, मैक्सिमम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, वो है 50 सीट्स। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इस बस की? 50 सीट। एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो इस बस की, मतलब इस साल टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी ने एस्टिमेट किया कि इस साल क्या है, कश्मीर में दंगे ज़्यादा हो रहे हैं, आतंकवादी हमले ज़्यादा हो रहे हैं, पत्थरबाजी ज़्यादा हो रही है, तो ओनली
चार सीट ऑक्यूपाई होंगी, मतलब कितने लोग जाएंगे, चार लोग ही जा पाएंगे, चार लोग ही जाएंगे ऐसा उन्होंने एस्टिमेट किया। जो नॉर्मल कैपेसिटी थी इनकी, नॉर्मल कैपेसिटी मतलब नॉर्मली जो लोग जाते थे पीछे के तीन सालों से या पीछे के तीन टूर से, वो जाते थे 40 सीट्स, मतलब लगभग 40 लोग तो जाते थे घूमने इनकी बस में, 50 की मैक्सिमम थी लेकिन नॉर्मल कितने जाते थे, 40 सीट इनकी ऑक्यूपाई रहती थी। और जिनका एक्चुअल कैपेसिटी है, मान लो वो आपको पता चलेगा लास्ट में, ऐसे अभी पता चलेगा भी नहीं, पता कब चलेगा लास्ट में, वो आई मान लो 2 सीट। अब बताओ आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल के सेलिंग प्राइस में ऐड करनी है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट किससे डिवाइड करोगे, मैक्सिमम से करोगे क्या? मैक्सिमम से कभी नहीं करोगे, क्योंकि मैक्सिमम से किया आपने तो आपकी फिक्स कॉस्ट कभी रिकवरी नहीं हो पाएगी, कभी क्यों रिकवर नहीं हो पाएगी, हमेशा आपकी कैपेसिटी 40 सीट रहती है। और मैक्सिमम 50 से करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 2000 रुपये आ गई ना, 1 लाख डिवाइड बाई 50, 2000 आ गई, 2000 × 40 करोगे हमेशा 80,000 के आसपास रिकवर होगी आपकी, हमेशा आप लॉस में रहोगे। तो मैक्सिमम से डिवाइड नहीं करेंगे, एस्टिमेटेड से भी डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? एस्टिमेटेड तो आप हवा में कुछ भी बना लो, चलो आपने 4 का बना लिया, तो 4 का बना के आप हवा में 25,000 रुपये लोगे कस्टमर से, ओनली फिक्स कॉस्ट के नाम पे, किसी कस्टमर से जयपुर से कश्मीर जाने के फिक्स कॉस्ट के नाम पे 25,000 लोगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट ऐड करोगे, फिर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, कोई कस्टमर आपके साथ नहीं जाएगा, क्यों जाएगा कस्टमर, इससे बढ़िया वो कहीं और घूम लेगा, कश्मीर जाने के बढ़िया कश्मीर जाने के बजाय वो कहीं और घूम लेगा। तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी से भी अपन डिवाइड नहीं करते, एक्चुअल तो पता ही कब चलेगी, ईयर एंड में पता चलेगी, तो ये वैसे भी कुछ काम की नहीं है। अब बची नॉर्मल कैपेसिटी, इससे आप डिवाइड करोगे फिक्स कॉस्ट को, तो इस केस में पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2500 रुपये। तो आप एक कस्टमर से, एक यात्री से फिक्स कॉस्ट के नाम पे कितना रुपये वसूल करोगे, 2500 रुपये वसूल करोगे, 2500 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट के नाम पे वसूल करोगे, प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दोगे, प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दोगे। तो फिक्स कॉस्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है पर यूनिट या टोटल में, तो किससे कन्वर्ट करना होता है आपको, हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से, किससे कन्वर्ट करना होता है हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी। तो फिक्स कॉस्ट कन्वर्जन कैसे होता है, बाय नॉर्मल कैपेसिटी। कैसे कन्वर्ट होगा, नॉर्मल कैपेसिटी से। लेकिन मान लो क्वेश्चन में आपको नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दे रखी, अब क्या यूज़ करोगे? तो अगर क्वेश्चन में नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दे रखी, इफ नॉर्मल कैपेसिटी इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में आपको नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दे रखी, तो आपको चेक करना है कि नॉर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट हो सकती है क्या, कैलकुलेट हो सकती है तो कैलकुलेट कर लो, फिर यूज़ कर लो, लेकिन कैलकुलेट भी नहीं हो सकती, ना तो नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी ना कैलकुलेट हो सकती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन लेना पड़ेगा, देन अज्यूम एस्टिमेटेड कैपेसिटी एज नॉर्मल कैपेसिटी। क्या जूम करना पड़ेगा आपको, जो आपने बजट बनाया है, जो एस्टिमेटेड यूनिट्स बनाई है आपने, वही आपकी क्या है, नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल दे रखी है तो ठीक है, नॉर्मल नहीं दे रखी या कैलकुलेट भी नहीं हो सकती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड जो बजटेड यूनिट है उसी को क्या मान लेना, नॉर्मल कैपेसिटी, और उसी को यूज़ कर लेना। किसको यूज़ कर लेना, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। इंस्टीट्यूट भी इसी को यूज़ करता है और आपको भी इसी को यूज़ करना है, मार्क्स चाहिए तो पहले नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नॉर्मल कैपेसिटी के लिए ही बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मानो दे नहीं रखी तो क्या करोगे, तो आपको एस्टिमेटेड को क्या मानना है, नॉर्मल मानना है, एस्टिमेटेड को क्या मान लेना है, नॉर्मल मान लेना है, उसी को यूज़ कर लेना। लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन में एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी नहीं दे रखी, ना नॉर्मल दे रखी ना एस्टिमेटेड दे रखी, मतलब इफ़ नॉर्मल एंड एस्टिमेटेड कैपेसिटी इज नॉट गिवन, मतलब दोनों कैपेसिटी नहीं दे रखी, तब क्या करोगे, देन अज्यूम एक्चुअल कैपेसिटी एज नॉर्मल कैपेसिटी। अगर क्वेश्चन में आपको नॉर्मल और एस्टिमेटेड दोनों कैपेसिटी नहीं दे रखी, तो क्या करना, जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसी को क्या मान लेना, नॉर्मल, मतलब आप जितना एक्चुअल में यूनिट बनाते हो वही आपकी क्या है, नॉर्मल कैपेसिटी। ये आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा, अगर आपको नॉर्मल भी नहीं दे रखी और एस्टिमेटेड भी नहीं दे रखी, तो एक्चुअल को क्या मान लेना, आप नॉर्मल मान लेना। मान लो क्वेश्चन में एक्चुअल भी नहीं दे रखी, ना नॉर्मल दे रखी ना एस्टिमेटेड दे रखी ना एक्चुअल दे रखी, फिर क्या दे रखी होगी, फिर तो एक ही कैपेसिटी बची, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो इफ नॉर्मल एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल
कैपेसिटी इज नॉट गिवन, मतलब तीनों कैपेसिटी आपको नहीं दे रखी, तो क्या करोगे, देन अज्यूम मैक्सिमम कैपेसिटी एज नॉर्मल कैपेसिटी। फिर आपको अजम्पशन क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी को ही नॉर्मल मानना पड़ेगा, कि आप जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी वो क्या है, वो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है। वैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको अजम्पशन तो लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट जो अजम्पशन लेता है वो अपन ने बता दिया। सबसे पहले क्या मान, क्या करके कन्वर्ट करना है, नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दे रखी या कैलकुलेट नहीं हो सकती तो एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड भी नहीं दे रखी तो एक्चुअल, एक्चुअल भी नहीं दे रखी तो मैक्सिमम। तो पहले नॉर्मल, फिर क्या देखना है, एस्टिमेटेड, ये भी नहीं दे रखी तो एक्चुअल, एक्चुअल भी नहीं दे रखी तो मैक्सिमम। नॉर्मल, फिर एस्टिमेटेड का यूज़ करना, फिर एक्चुअल का, फिर मैक्सिमम का, ये सीक्वेंस रहेगा फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट करने में। सबसे पहले नॉर्मल को देखना, नॉर्मल नहीं है तो एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड भी नहीं है तो एक्चुअल, एक्चुअल भी नहीं है तो मैक्सिमम कैपेसिटी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट को कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो पर यूनिट में या टोटल में, पर यूनिट दे रखा है, टोटल में कन्वर्ट करना है तो किससे इनटू करना है, नॉर्मल से। टोटल में दे रखा है, पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना है, नॉर्मल कैपेसिटी से। नॉर्मल नहीं दे रखा तो एस्टिमेटेड का यूज़ करना, एस्टिमेटेड नहीं दे रखा तो एक्चुअल का यूज़ करना, एक्चुअल भी नहीं दे रखा तो मैक्सिमम का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट करने का तरीका, पर यूनिट से टोटल में या टोटल से पर यूनिट में, जो आपको काफी काम आएगा, तो इसको सही से समझ लेना। अब देखते हैं दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट, कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को कन्वर्ट कैसे करोगे, पर यूनिट और टोटल में, तो ये हमेशा होती है बाय एस्टिमेटेड और एक्चुअल कैपेसिटी। ये किससे होती है, या तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी से कन्वर्ट करते हैं या एक्चुअल कैपेसिटी से कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन में मान लो आपको एस्टिमेटेड दे रखी है तो एस्टिमेटेड यूज़ कर लो, एक्चुअल दे रखी है तो एक्चुअल यूज़ कर लो। ऐसा कोई क्वेश्चन है भी नहीं जिसमें आपको दोनों दे रखी हैं, एस्टिमेटेड या एक्चुअल। तो वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा कन्वर्ट कैसे करते हैं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी से या एक्चुअल कैपेसिटी से। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकलवाता है वो, तो हमेशा अपन एक्चुअल कैपेसिटी से कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन में एक्चुअल कैपेसिटी ही देगा, एस्टिमेटेड देगा ही नहीं। लेकिन आपको मान लो वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलवाता है, तो क्वेश्चन में वो आपको एस्टिमेटेड कैपेसिटी देगा, उससे अपन कन्वर्ट करेंगे। तो किससे कन्वर्ट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को, एस्टिमेटेड या एक्चुअल, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है एस्टिमेटेड या एक्चुअल वो यूज़ कर लेंगे। वैसे दोनों कैपेसिटी क्वेश्चन में मिलेगी नहीं आपको, फिर भी मान लो किसी क्वेश्चन में आपको एस्टिमेटेड भी मिल जाए और एक्चुअल भी मिल जाए, तो वो मेनली एक्चुअल प्रॉफिट निकलवाएगा, तो आपको कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, एक्चुअल कैपेसिटी। तो वेरिएबल कॉस्ट को आपको पर यूनिट या टोटल में कन्वर्ट करना है, तो एस्टिमेटेड या एक्चुअल से कन्वर्ट करते हैं। पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो एस्टिमेटेड से डिवाइड कर देना, टोटल में कन्वर्ट करना है तो एस्टिमेटेड से इनटू कर देना, या तो एस्टिमेटेड या एक्चुअल, कोई से भी यूज़ कर सकते हो। या ना तो नॉर्मल करते हैं या यूज़, ना ही यहाँ अपन मैक्सिमम वाली यूज़ करते हैं। यहाँ कौन सी करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के लिए, एस्टिमेटेड या एक्चुअल। और जिस वेरिएबल कॉस्ट, जिस कैपेसिटी से अपन वेरिएबल कॉस्ट को कन्वर्ट करते हैं, उसी से अपन सेल्स को कन्वर्ट करते हैं। सेल्स को मान लो आपको टोटल दिखाना है, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट को आपने एस्टिमेटेड के बेस पे किया है, तो सेल्स को भी अपन एस्टिमेटेड बेस के दिखाते हैं। ऐसे वेरिएबल कॉस्ट को अगर आपने एक्चुअल के बेस पे किया है कन्वर्ट, तो सेल्स को भी अपन एक्चुअल के बेस पे कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो अपन ने जो मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाई थी ना कल लास्ट लेक्चर में, अपन ने सेल्स दिखाई थी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस की थी, फिर फिक्स कॉस्ट लेस करी थी, आपका आ गया था प्रॉफिट, यही तो था। तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट जो होंगी, ये दोनों एक्चुअल या एस्टिमेटेड यूनिट्स के बेस पे होंगी। अगर एक्चुअल प्रॉफिट निकलवा रहा है तो एक्चुअल यूनिट के बेस पे होंगी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलवा रहा है तो एस्टिमेटेड यूनिट्स के बेस पे होंगी। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल जो होंगी, एक्चुअल या एस्टिमेटेड यूनिट्स के बेस पे। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होगी, ये किसके बेस पे होगी, हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के बेस। फिक्स कॉस्ट किसके बेस पे होगी, इसमें नॉर्मल कैपेसिटी, ये बात हमेशा याद रखना, तब जाके आपका प्रॉफिट ठीक आएगा। काफ़ी लोग इसमें गलती कर देते हैं, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल या एस्टिमेटेड। एक्चुअल प्रॉफिट निकलवा रहा है तो एक्चुअल के बेस पे दोनों चीज़ें, और एस्टिमेटेड निकलवा रहा है तो दोनों चीज़ें एस्टिमेटेड के बेस पे। फिक्स कॉस्ट हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे। तो ये था कन्वर्जन करना, अपन ने आज क्या पढ़ा, कन्वर्जन करना पड़ा फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट और टोटल में, और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और टोटल में। तो अलग अलग तरह की कैपेसिटी लेवल्स होते हैं, एक होता है मैक्सिमम, एक एस्टिमेटेड, एक नॉर्मल और एक एक्चुअल।
मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब सब कंडीशन आपके फेवर में है, कोई ब्रेकडाउन नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो आप मैक्सिमम कितना यूनिट बना सकते हो, ये होती है मैक्सिमम कैपेसिटी, जिसको इंस्टॉल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। दूसरा एस्टिमेटेड कैपेसिटी मतलब आपने जो बजट बनाया अगले साल का, वो होती है एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तीसरा नॉर्मल कैपेसिटी मतलब पीछे के 3 सालों की एक्चुअल कैपेसिटी का एवरेज, या तो या मैक्सिमम में से क्या लेस कर दो, ब्रेकडाउन और हॉलीडे लेस कर दो, आपकी आ जाएगी नॉर्मल कैपेसिटी। चौथा होता है एक्चुअल कैपेसिटी, ये क्या होता है, एक्चुअल में आपने कितने यूनिट बनाई, ये क्या होती है एक्चुअल कैपेसिटी। फिक्स कॉस्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर यूनिट या टोटल में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे। लेकिन मान लो नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दे रखी तो किसके बेस पे करना पड़ेगा आपको, एस्टिमेटेड के बेस पे। नॉर्मल और एस्टिमेटेड दोनों नहीं दे रखी तो एक्चुअल के बेस पे, नॉर्मल एस्टिमेटेड और एक्चुअल तीनों नहीं दे रखी तो मैक्सिमम के बेस पे। ऐसा केस आता नहीं है लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, पहले नॉर्मल, फिर एस्टिमेटेड, फिर एक्चुअल, फिर मैक्सिमम। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट को कन्वर्ट कैसे करोगे, एस्टिमेटेड या एक्चुअल कैपेसिटी के बेस पे। तो अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलवाए तो अपन वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स को एस्टिमेटेड कैपेसिटी के बेस पे करते हैं, और एक्चुअल निकलवाता है तो वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स को अपन एक्चुअल कैपेसिटी के बेस पे करते हैं। लेकिन फिक्स कॉस्ट हमेशा किसके बेस पे होती है, नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे। ये था आज का लेक्चर कन्वर्जन का, फिक्स कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट और टोटल में कन्वर्ट करने का। तो अपन ने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में पूरा डिटेल में देख लिया कि क्या क्या कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने से चेंज हो जाती है टोटल में, फिक्स कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती टोटल में, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है और फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम होती है। ये अपन ने कल डिस्कस भी किया था। अगली इसके बाद अपन ने देखा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसको अपन को बांटना पड़ता है वेरिएबल और फिक्स में। फिर अपन ने मार्जिनल कॉस्ट शीट देखी, फिर अपन ने कन्वर्जन वाला तरीका देख लिया। ये बेसिक आपको हर चैप्टर में काम आएगा, हर जगह कॉस्टिंग का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का पूरा डिटेल पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कॉस्टिंग में कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में 2 कॉस्ट ही काम आती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वगैरह।